सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो 12 बजे से हो रही है। 12 बज के कुछ टाइम हो गया है अभी। तो अभी ना मैं नहा धो कर भी फ्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह से काम करती है वो। तो अभी ना है लंच बनाने का टाइम जो है आ गया है। तो अभी ना मैं आ गई हूँ अपने यहाँ किचन में और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी लंच। तो पहले मैंने दिन के लिए आज हम बनाएंगे कड़म की सब्जी और चावल। चावल जो है मैंने वो हीटर पे चढ़ा दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सब्जी जो है मैं अभी काटूंगी। तो मेरे साथ मेरा बच्चा इधर आओ, मेरा प्यारा सा आनंद है जो कि मेरे साथ ही रहता है। इसकी जो मम्मा है ये बाजार चला गई है नीचे रामबन में, तो ये मेरे पास ही है। देखने किसी शाडू शेडू से क्यों क्यों शाडू हो जाओ। अभी बोल रहा है मेरी मम्मी के साथ बात करनी है, फिर मैंने इसकी मम्मा के साथ बात करूँ। अभी देखो कैसे मस्त सब बैठा है मेरे पास, जैसे अपनी मम्मा के पास बैठा है। कितनी पारी है बुजी, बोल ना, बोल हैंड कर ऐसे, बोल इतना सा, कितनी प्यारी है बुजी, बोल नहीं। बात नहीं करूँगी मैं, बात नहीं करूँगी मैं, बोल कितनी प्यारी हूँ। मेरा बच्चा, तो अभी बनाते हैं लंच। तो अभी मैं काट लेती हूँ पहले सब्जी। गाइस, अभी ना मैंने चाकू और यहाँ पर ये रख ली है जिसमें कि मैंने सब्जी काटनी है। और मैंने कड़म की सब्जी लाई है, देखो कितनी हरी हरी सब्जी है जो कि हमने कल ही बाजार से लाई थी। तो अपनी कड़म तो है नहीं, पर चलो बाजार की है, पर है तो सही। तो अब मैं इसको काट लेती हूँ और फटाफट लंच तैयार करती हूँ, क्योंकि पापा जी ने अभी ड्यूटी भी जाना है तो पापा जी को लेट हो जाएगा। पहले मैं कड़म को काट देती हूँ। गाइज, अभी ना मैंने सब्जी भी काट ली है। तो देखिए मैंने सब्जी काट ली है, तो अभी चावलों को देख लेते हैं कि चावल बने हैं या नहीं। अगर चावल नहीं बने हैं तो मैं सब्जी गैस पे बनाती हूँ, क्योंकि पापा जी को जल्दी जल्दी जाना है ड्यूटी पे। तो जल्दी जल्दी लंच तैयार करूँगी, तो फिर लेट हो जाएगा, नहीं तो पापा जी को। पहले मैं देख लेती हूँ सब्जी, नहीं तो चावल तैयार हुए हैं कि नहीं। मैंने चावल भी देख लिए, चावल जो है वो अभी तैयार नहीं हुए हैं। लगभग इन्हें अभी 10-15 मिनट लग जाएंगे बनते बनते। तब तक मैं सोच रही थी गैस पे ही खाना बना लूँ, तब तक मैं गैस पर सब्जी बनाती हूँ। तो पहले ट्रे को धोना पड़ेगा, क्योंकि नहीं धोई हुई है। ट्रे को चढ़ा लेते हैं। तो अब मैं गैस को ऑन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सही ना, मैंने गैस भी ऑन कर दिया है, तो अब इसमें तेल डालूंगी। अभी ना मैंने प्याज भी काटना है, देख लीजिए मैं प्याज काट रही हूँ। फ्रिज में से एक टमाटर भी डाल लिया है, सब्जी थोड़ी सी बनानी है तो मैं एक ही टमाटर डालूंगी।
तो गाइस चावल जो थे मैंने वो ऊपर रख दिए गैस के ऊपर, क्योंकि चावल बनने ही वाले थे। तो मैंने जो ऑयल डाला था तेल, तो वो मैंने रख दिया नीचे हीटर पे। तो अब मैं हीटर पे सब्जी बनाऊंगी। तेल मैंने गैस पे डाला पर मैंने अभी नीचे डाल लिया। तो अब तेल जो है वो बन चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप अभी तेल भी बन चुका है, तो अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज। अभी प्याज जो है वो बन गया है, तो मैं इसमें टिक्की मसाला डाल दूंगी, हल्दी, हल्दी थोड़ी डालूंगी, नमक, मिर्ची, और अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो गाइस अभी ना ये बन चुका है, और अब मैं इसमें सब्जी डाल देती हूँ। उधर चल। सब्जी को मैंने पानी भी डाल दिया है क्योंकि धोने के काम आ जाएगा। तो देखिए ये जो मसाला है ये बन चुका है, अब मैं इसमें सब्जी डालती हूँ। गाइस अभी मैंने सब्जी भी इसमें डाल दी है, तो अब इसको ढक्कन देते हैं, तो कुछ टाइम बाद ये भी बन जाएगी, फिर मैं आपको बनी हुई सब्जी दिखाती हूँ। तो गाइस तब तक ना चावलों को देख लेते हैं कि चावल बने हैं कि नहीं। तो मैंने इसका ढक्कन उठाया, देखा कि चावल तो फ्रेश बन चुके हैं। चावल तो बन गए, बट अब सब्जी में सब्जी बन जाएगी थोड़ा टाइम बाद, तो मैं तब तक थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। तब तक गाइस यहाँ पर ना मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जो है वो बन गए हैं धोने के लिए। ऐसे थोड़े से बने हैं क्योंकि जिसमें मैंने सब्जी डाली थी एक वो, और एक दो दूसरे हैं, तो पहले मैं उनको धो लेती हूँ, तब तक सब्जी भी दो मिनट बन जाए। तो गाइस अभी ना मैंने लंच भी तैयार कर दिया है, और पापा जी को भी खाना दे दिया है, और पापा जी ड्यूटी पे चला गए हैं। तो अब मैं भी लेती हूँ गर्मा गर्म लंच का आनंद। देखिए आज मैंने लंच में ये कुछ बनाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली गाइस अभी मैं और अनुराग जो हैं लंच कर बाहर भी आ चुके हैं। तो अभी हमने पहले जैसे लंच किया, गर्मी किचन का काम खत्म किया, तो तब तक अनुराग और अनुराग की मम्मी जो हैं आ गए हैं, क्योंकि अनुराग अखिल था स्कूल गया था, तो अभी अखिल भी आ गया है स्कूल से, अभी वो अंदर गया है। तो देखिए अभी आ गया है, इसकी यूनिफॉर्म देखो कितना प्यारा लगता है यूनिफॉर्म में, ऐसे भी इतना प्यारा और इतना शरीफ लड़का है, क्या बोलूँ आपको। तो देखना अब आ गए आप, किसके साथ आए? मामू के साथ। तो मम्मा भी थी ना साथ में? अच्छा, तो क्या क्या पढ़ा फिर आपने स्कूल में? हिंदी, इंग्लिश, सभी बुके पढ़ी। हाँ। और खेला कितना? खेला बहुत ज्यादा। जोर जोर से बात करो ना, इनको सुनाई नहीं देगा। हैं? जोर जोर से बातें करो ना। लंच में क्या लिया था आपने? लंच में कड़म और फुल्का। कैसा टेस्ट था? अच्छा था। अच्छा 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 तो स्कूल जाने में आपको अच्छा लगता है या गंदा? अच्छा। और क्या कहना चाहोगे आप? क्यों? जाओ आप यूनिफॉर्म निकालो, तो फिर करो रेस्ट। अनुराग से बात करते, इधर आना अनुराग, बोलना आप। आपके भैया आगे देखना भी इतना हैप्पी हैप्पी हो गया, खुश हो गया, क्योंकि इसके भैया, इसको पता है अपने भैया के साथ कितनी ज्यादा बनती है, उसके बिना नहीं कोई चीज नहीं खाता। अगर कोई भी चीज खाएगा तो बोलता है पहले भैया को दूंगा फिर खुद खाऊंगा। क्यों मानू? बोलो, भैया के लिए रखी थी सेविया? बोल के रखनी है, नहीं रखी थी? क्यों रखनी थी भैया के लिए? भैया आपको सब कुछ देते हैं,